चरित मानस और महाभारत में एक छोटी सी बात पकड़ी है, यदि बात पसंद आए तो आप सभी का तालियों से आशीर्वाद चाहूंगा कि जब हमारी माता बहनों पर अत्याचार होता है हम उस जगह मौन बैठे तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। और जब हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार हो रहा हो हम उस जगह उन्हें बचा लें तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। ये दोनों बात रामचरितमानस और महाभारत में देखने को मिली है। जब माता द्रौपदी का चीर हरण होता है उस सभा में सबके आदरणीय एक अच्छे योद्धा सबके पूजनीय और जिनके पास स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान है वो भी जब माता द्रौपदी का चीर हरण होता है तो मौन बैठे हैं। पिता महाभीष्म का ये अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप बन जाता है। रामचरितमानस में पक्षी हैं, बूढ़े हैं, निशस्त्र हैं, जितनी ताकत है माता सीता के प्रति बचाने के लिए लगा देते हैं, जटायु का ये अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। ये कि जटायु के सामने था सीता का हरण और समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की और पक्षी होकर जटायु को जूझ गए मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। कि जटायु के सामने था सीता का हरण, समस्या थी भीष्म को द्रौपदी के चीर की और पक्षी होकर जटायु तो जूझ गए मगर फड़की नहीं भुजा भीष्म जैसे वीर की। और अंत समय बाणों की सैया पर लेटे पिता महाभीष्म रघुराज ने गति की गिद्ध के शरीर की और पिता महाभीष्म को अंतकाल लेने आए यमराज और जटायु को गोद मिल गई रघुवीर की। जटायु को गोद मिल गई रघुवीर की। आपके सामने